नमस्कार साथियों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर 16,824 छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा। आपको बता दें आखिरकार कब ऐप की होगी एग्जाम। आपको बता दें जो 5 एग्जाम सेंटरों पर परीक्षा रद्द हुई थी उसी के बीच यहां पे जो 16,824 अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी धोखा हो रहा है। ना ही तो इन 5 एग्जाम सेंटरों की परीक्षा करवाई गई है और ना ही जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो चुका है उनकी आंसर की और रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम कैंसिल हुआ था 5 सेंटरों पर उनका परीक्षा कब कराई जाएगी और उनकी एग्जाम डेट क्या यहाँ पे जारी की गई है। तो चलिए आपको ले चलते हैं खबर की तरफ। उससे पहले टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए जानकारी शेयर की है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिजली विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती की परीक्षा जो है इस महीने के अंत तक कराने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कि अक्टूबर या बात करें तो दीपावली के बाद जो है कभी भी टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा के जो 5 सेंटरों की भर्ती रद्द हुई थी उनका एग्जाम कराया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर बेरोजगारों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। आखिरकार अभी तक जो है बोर्ड अधिकारी ये तय नहीं कर पाए हैं कि कब उनकी एग्जाम होगी, जिससे अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।